हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम आगे हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, जो कि टेंथ क्लास का पीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो ये क्वेश्चन है 226 नंबर क्वेश्चन। अगर आप पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिएगा। पार्ट 14 तक हमने करवा दिया था, या पार्ट 15 है जो कि 225 क्वेश्चन तक करवा दिए थे, और सारा का सारा जो कलेक्शन है क्वेश्चन का वो सभी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, जो कि आपको बिहार बोर्ड में सीधा ही देखने को मिलेगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन को मैं संग्रह कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसे प्लेलिस्ट में जाकर के देखने की कोशिश करें और इसको देखना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि प्रत्येक लोग इसका लाभ उठा सके, ठीक है। क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम जो 2006 ईस्वी है, वह महिलाओं को मित्र 50% आरक्षण देता है। कितना प्रतिशत आरक्षण? 50%। जब नीतीश कुमार सत्ता में आया था तो उन्होंने महिलाओं को आरक्षण बढ़ा करके 50% कर दिया था, क्या 33% से। ऐसे भारत सरकार के द्वारा तो आप जानते हैं कि से पंचायती राज व्यवस्था में 33% है, लेकिन अलग अलग राज्य अपना अपना आरक्षण को बढ़ाते हैं। उसी तरह से बिहार जो है से 2006 ईस्वी में 50% आरक्षण बढ़ा दिया महिलाओं को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो निर्वाचित महापौर का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न, मैं उस वक्त खड़ा होकर बना रहा था, अब मैं बैठ गया हूँ, ठीक है। पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था मित्र? तो बोलिविया में हुआ था। किस देश में हुआ था? बोलिविया देश में हुआ था। पानी की कीमत में वृद्धि होने लगी थी जिसकी वजह से वहाँ जनता का संघर्ष होने लगा, जिसको हम जनसंघर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है। कहाँ है? कंबोडिया में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए थे मित्रों? तो गांधी जी चंपारण जो आए थे 1917 ईस्वी में आए थे, ठीक है ना, चंपारण, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से लौट करके 1915 ईस्वी में आए थे भारत में। किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है मित्रों? तो जो दास कैपिटल है उसको कहा जाता है साम्यवादियों की बाइबल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है ना, भाग लिया था, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, और तृतीय जो हुआ था 1932 ईस्वी में हुआ था। पुना पैक्ट भी हुआ था 1932 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ है मित्रों? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ है, जो कि लंदन पड़ता है, ठीक है ना, लंदन में। पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ है? तो पटना में जो गोलघर का निर्माण हुआ है मित्र, वह हुआ है अनाज भंडारण के दृष्टि से, ठीक है ना। तो यह जो चार्टिस्ट आंदोलन है वो 1838 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, डेट मैंने नहीं बतलाया तो जान गए, ठीक है। अगला देखिए, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग जो था ना, उस किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का शोषण ज़्यादातर हुआ था, समझ गए ना। ऐसे शोषण तो सबका हो रही थी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा श्रमिक वर्ग का हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो गठन हुआ था ना मित्रों, वह हुआ था 1944 ईस्वी में, IMF जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी उसी के साथ हो गई थी 1944 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंदी का शुरुआत कब हुआ था? तो विश्व आर्थिक मंदी की जो शुरुआत हुई मित्रों 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, जिसकी वजह से विश्व में बहुत बड़ी मंदी आ चुकी थी। 1929 में देखने को मिला सबसे ज़्यादा शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो यंग इंडिया भी किया था, वर्जन भी किया था, मतलब सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है मित्रों, वह होता है आपको भारत में हो जाता है दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था मित्र, वह हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन है ना, तो ये तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 ईस्वी में हुआ था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। परंतु जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन 5 साल बाद हुआ था, न्यूयॉर्क में,
और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को हम पल्स पांच सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह 5 साल बाद हुआ था, 1992 के 5 साल बाद, मतलब 1997 अर्थात प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, इसलिए प्लस पांच सम्मेलन के भी रूप में जाना जाता है। समझ गया ना, क्योटो सम्मेलन भी आप जानते हैं कि 1997 ईस्वी में ही हुआ था, और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह जोहान्स वर्ग में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से ज़्यादातर आर्सेनिक तत्व का बोल सकते हो कि संकेंद्रण बढ़ चुका है, ठीक है ना। तो ग्रीन बुक में शामिल किया गया है, तो ग्रीन बुक में किसे शामिल किया गया है? तो इसमें असाधारण पशुओं को शामिल किया जाता है ग्रीन बुक में, ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान तो गुजरात में, गिर गुजरात, समझ गए ना, ठीक है। असम में आप जानते हैं कि काजीरंगा वहाँ कहाँ है, असम में, जो कि एक सिंह गेंडा के लिए बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगर देखिए, और सुंदरबन के डेल्टा कहाँ है? सुंदरबन भी जैविक उद्यान जो है से पश्चिम बंगाल में। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो एक टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का इस्तेमाल होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो अनवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होते हैं मित्रों? तो नवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जिसकी पुनःपूर्ति बार बार होती रहती है, जैसे सूर्य के प्रकाश हुआ, हवा हुआ, पानी हुआ, ये सब क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन उसको कहते हैं जिसकी पुनःपूर्ति बार बार नहीं होती है, यह एक सीमित संसाधन के रूप में जानी जाती है। इसको फिर से रिकवर करने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ जो हुआ मित्र, वह अनवीकरणीय संसाधन हुआ। कोयला क्या हुआ? अनवीकरणीय संसाधन हुआ, ठीक है। सोना क्या हुआ? अनवीकरणीय संसाधन हो गया। चांदी कैसा हो गया? अनवीकरणीय संसाधन हो गया। लेकिन जल हो गया, सौर हो गया, पवन जो हो गया, यह नवीकरणीय संसाधन हुआ। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है मित्र? तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो वर्षा ऋतु में जो बोई जाती है वो खरीफ फसल बोई जाती है। कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ फसल बोई जाती है, ठीक है ना। अभी तो आप जानते हैं कि रबी के मौसम है, ठीक है, जो कि अभी कुछ चल रहा है, जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च चल रही, मार्च स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। तब कुछ समय बाद काट भी लिया जाएगा, सब फल फूल रहे हैं। अब जानते हैं कि द्वितीयक क्षेत्र संबंधित है, तो द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित कौन सी है? तो औद्योगिक क्षेत्र है, चूँकि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पटना शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो आप जानते हैं कि गंगा नदी किनारे के बसा हुआ है। जिनमें से कौन सा आपदा मानव जनित आपदा है? तो मनुष्य के द्वारा तो बाढ़ हो ही नहीं सकता, भूकंप हो ही नहीं सकता, सुनामी हो ही नहीं सकता, आतंकवाद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी मित्र? तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था, स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हो गई थी, ठीक है ना। 1922 ईस्वी में सहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरक्षण का अंग है? तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरक्षण का अंग है? शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं है, नागरिक सेवाएं है, तो सब क्या है? सामाजिक संरक्षण का अंग ही माना जा सकता है, इसलिए इनमें से सभी सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था, तो 1952 ईस्वी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का जो वित्तीय राजधानी है मुंबई को कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई कहा जाता है। तो इस तरह से मित्रों, हमने जो भी क्वेश्चन कलेक्शन कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे, जो कि आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाने का कष्ट प्रदान करें, और प्रत्येक जो टेंथ क्लास के जो विद्यार्थी है उसका लाभ उठा सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।